वेलकम फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सैम टू क्लब में। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन टैक्स के बारे में फुल जानकारी देने का कोशिश किया हूं, तो वीडियो लास्ट तक देखें, कहीं स्किप मत करें और इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय और सुझाव जरूर दें। वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को करें लाइक और शेयर। और हाँ, मैं रोजाना ऐसे ही नए नए टेक्नोलॉजी संबंधित, नए जॉब से संबंधित वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ, तो इस तरह की वीडियो मिस नहीं करें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का घंटा बटन भी क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैनल से रोजाना अप टू डेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारे चैनल के द्वारा लोड किए गए किसी वीडियो को मिस नहीं करने के लिए बेल बटन को भी दबा दें। दोस्तों, यह बिल्कुल फ्री है। ऑनलाइटेक्स का जो मोबाइल हुआ 24 अक्टूबर को लॉन्च कर दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें ओरियो दिया गया है, एंड्रॉयड V8.1 है। पीछे का बॉडी है पॉलीकार्बोनेट का बॉडी है, पीछे डुअल कैमरा है, आगे सिंगल कैमरा है। इसमें डेडिकेटेड स्लॉट, सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा, जिसमें एक साथ आप दो सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं इसका वजन और डिस्प्ले के बारे में। तो इसका वजन जो है 175 ग्राम है, थिकनेस 7.8 mm है। यह दो कलर में उपलब्ध हुआ, ब्लू और ब्लैक। और जनरली देखा जाता है कि जो मोबाइल आता है 190 ग्राम 200 ग्राम से ऊपर का होता है, तो ऐसे में काफी लाइट वजन का यह मोबाइल है और थिकनेस भी इसका ज्यादा नहीं है, यानी एक स्लिम सेट है जो आपको हाथ में काफी ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है। 6.5 इंच का स्क्रीन साइज मिल जाता है जो फुल HD का सपोर्टेड है। एस्पेक्टेड रेशियो 19.5:9 है, यानी आपको ऊपर एक छोटा सा नॉर्मल नॉच देखने को मिल जाएगा। एक चीज और, इसमें आप नॉच को जो नोकिया का मोबाइल आया था जिसमें आप नॉच को इनेबल या डिसेबल कर सकते थे, इसमें भी आप नॉच को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि इस ऐप में नॉच चले और इस ऐप में नॉच नहीं चले, तो आप किसी पर्टिकुलर ऐप में भी नॉच को इनेबल और डिसेबल इसमें कर सकते हैं। IPS LCD स्क्रीन मिल जाता है, यानी आप सनलाइट में भी कोई वीडियो आप चाहें या फिर कोई मूवी चाहें तो आप अच्छे ढंग से देख पाएंगे, कोई गेम भी आप सनलाइट में अच्छे ढंग से खेल पाएंगे। बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए इसमें क्रीन का 710 का चिपसेट दिया गया है, जो कि 2.2 GHz प्लस 1.7 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर पर रन करेगा। और आर्किटेक्चर 64 बिट का है। ग्राफिक्स जो है माली G51 MP4 दिया गया है। स्टोरेज के लिहाज से यह हैंडसेट तीन वेरिएंट में उपलब्ध है। एक का रैम 4 GB और इंटरनल मेमोरी है 64 GB, दूसरा का है रैम 6 GB इंटरनल मेमोरी 64 GB, और तीसरा का है रैम 6 GB और इंटरनल मेमोरी 128 GB। और जो तीनों हैंडसेट है, तीनों में आप बाहर से एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड लगाकर 400 GB तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें पीछे का रियर कैमरा 20 MP प्लस 2 MP का डुअल कैमरा है, और उसके नीचे फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है जिसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। आई का कैमरा है वह 16 MP का है। कैमरा का जो अपर्चर है वह F2.0 है। पीछे का कैमरा का अपर्चर F1.8 है। इसमें AI कैमरा दिया गया जो कि काफी अच्छी बात है। पीछे का जो कैमरा है डुअल कैमरा है 20 MP प्लस 2 MP का, जिससे कि फोटो काफी अच्छा आएगा और आए की सेल्फी के लिहाज से भी अच्छा है। 16 MP का जो कैमरा को खराब नहीं होता, उससे भी बहुत अच्छा सेल्फी लिया जा सकता है। डुअल वोल्टी है, यानी एक साथ आप दो वोल्टी सिम उपयोग कर सकते हैं। गेमिंग की बात करें तो गेम इसमें काफी अच्छा चलता है, पबजी गेम थोड़ा स्लो चलता है और हीटिंग इशू गेम खेलने में थोड़ा सा मोबाइल आपका हीट हो सकता है। बहुत सारा आपको सेटिंग में ऐसा ऑप्शन मिल जाता है जिससे आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगा, जैसे ऑटो कॉल रिकॉर्डर हो गया, मिरर शेयर हो गया। हाँ, NFC इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। 3750 mAh का लिथियम पॉलीमर का एक टिकाऊ बैटरी इसमें मिल जाता है, जो कि फुल चार्ज हो जाने पर एक दिन का पूरा आपको बैकअप दे देता है। इसे फुल चार्ज होने में 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है। एक चीज और, इसमें जो आप फास्ट चार्जिंग के बारे में यदि सोच रहे हैं तो इसमें फास्ट चार्जिंग नहीं मिलने वाला है। हैंडसेट के नीचे 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। ब्लूटूथ हॉटस्पॉट FM जो समय मिलता है वह इसमें भी आपको मिल जाएगा। यदि कीमत की बात करें तो 14,999 रुपये में 4 GB 64 GB का जो वेरियंट है वह उपलब्ध हो जाएगा। 6 GB 64 GB का दाम 16,999 रुपया है और 6 GB 128 GB का दाम 18,999 रुपया रखा गया है। हमें तो इसमें 14,999 रुपये में जो 4 GB 64 GB का जो वेरियंट है वह पसंद आया। बाकी आप बताइए कि आपको इस तीनों मोबाइल में से कौन सा वेरियंट आपको ज्यादा पसंद आया और क्या कमी नजर आया और क्या होना चाहिए था, कमेंट बॉक्स आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपके पास यदि कोई प्रश्न या सुझाव है तो भी कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करें। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को करें लाइक और शेयर। और हाँ, किसी भी जॉब से संबंधित, टेक्नोलॉजी से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के घंटा बटन में क्लिक कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।